सर्वलोपचारार्थे गन्ध अक्षत पुष्पेण सम्भूय ॐ द्यो नाम पृथवे नो भवानीकाक्षः क्रम में जिला विकास परिषद के चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी को भी चूड़ामणि संस्कृत संस्थान कसौली की ओर से सप्रेम भेंट की जाती है माननीय उपराज्यपाल जी के कार्यक्रमों के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इसी वर्ष 15 जनवरी जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उससे प्रारंभ किया गया और आज की तिथि में 20 विद्यार्थी 20 कर्मचारी जो आपके समक्ष यहाँ पर बैठे हैं वहां पर उन्हीं के सपनों से निकाल जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृत पर आधारित संस्कार मिलते हैं और इन संस्कारों में बड़ा बड़ा समाज एक विशद बृहद करते हैं। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं लेकिन ये संस्कार होते हैं जो वो संस्कार केंद्र कितने आवश्यक हैं ये हमारे भारत में। यहाँ पर अगर वेदों को मानने वाले मीमांसा वाले हैं तो वेदों को ना मानने वाले बौद्ध वाले। इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो बीच में बाधाएं हैं उनका निवारक बनना संतों का सज्जनों का सन्मार्गियों का लगातार सहयोग मिलता रहे ऐसा सौभाग्य मिलना और कई ऐसे सहयोगी हैं माननीय नरेंद्र सिंह भदौरिया जी जिन्होंने आज जिस स्थान का भूमि पूजन हुआ है स्वेच्छा से आज इस कार्य के लिए अपनी ओर से जमीन दान की ऐसे सज्जनों का जो सौभाग्य मिलता है ये श्रावण का मास चल रहा है और श्रावण में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है भगवान आशुतोष का अभिषेक किया जाता है और आशुतोष भटनागर जी ने हमें अभिषेक आचार्य के रूप में देकर के इस चीज का संकेत दिया है कि भगवान शिव का आशीर्वाद इस संस्थान के साथ रहेगा। असाध्य को विसाध्य करने की क्षमता रखने वाले महामहिम उपराज्यपाल जी का भरत प्राप्त होना उनका आशीर्वाद प्राप्त होना एक घनेरी रात के बाद पूर्व से होती उस लालिमा का प्रतीक है कि जिसके बाद सबको दीप्यमान करता है। आप सबकी शुभकामनाएं भविष्य में भी मिलती रहे इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। सचिन पाठक जी देवियों सज्जनों तथा नौजवान मित्रों राष्ट्र विद्या के महत्वपूर्ण केंद्र विश्वस्थली आकर चूड़ामणि संस्कृत संस्थान नए भवन के भूमि पूजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ये मेरे लिए गौरव का विषय है। जैसा आप सबने भी देखा कि वाटर स्पोर्ट भी इस इलाके की पहचान बने इसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल ने आपके सामने प्रस्तुति की और बताया गया कि दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। पहले भी प्रशासन ने कोशिश की थी जब श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर प्रारंभ हुआ उसी समय जम्मू का भी सेंटर प्रारंभ हो लेकिन कुछ वैधानिक दिक्कतों के कारण इस कार्य में विलंब हुआ है। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ के डिविजनल कमिश्नर ने और यहाँ के डी सी ने मिलकर के प्रशासन ने उन बाधाओं को दूर किया और जैसा अभी बताया गया कि दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाए। मुझे उम्मीद है काम युद्ध स्तर पर होगा समय सीमा के भीतर पूरा होगा और रंजीत सागर डैम यदि जो स्थान का चयन किया गया है वो वाटर स्पोर्ट्स की सभी विधाओं के लिए आदर्श साबित होगा। स्थानीय बच्चों बच्चियों को खेल का स्वर्ण मौका भी उपलब्ध होगा
व्यवस्था है, उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्राप्त होगा और मुझे लगता है कि ये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। वैसे वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर ने काफी तरक्की की है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अर्जित की है। इसका पूरा विवरण अभी मेरे पूर्व बताया गया है, उस विवरण में नहीं जाना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को भी अवसर मिले इस दृष्टि से इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की कोशिश स्पोर्ट्स काउंसिल और स्थानीय प्रशासन करेगा और पौली और आसपास के कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण हुआ जो यहाँ के आर्थिक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास प्रशासन की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। और अभी जो अंत में एक चित्र आपने देखा है समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा दिव्यांग भाई बहनों के घर जाकर उनको उपलब्ध कराना, मैं समझता हूँ कि एक नई पहल है, इनोवेटिव पहल है और इसके लिए मैं किसी हुआ और उनकी पूरी